दिल्ली ऑटो टैक्सी चालक को एक और राहत भरी खबर निकल के सामने आई है। यदि आपके पास PSV बैच नंबर नहीं है तभी भी आप लोगों को मिल सकते हैं 5,000 रुपए दिल्ली सरकार की तरफ से। तो आज हम यही जानेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आपको पता होगा 4 मई को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2 मुख्य घोषणा की। पहला, लगभग 72 लाख लोगों को 2 महीने तक का फ्री राशन दिए जाएंगे और दूसरा यह है कि ऑटो टैक्सी चालक को 5,000 रुपए दिए जाएंगे। अगले 7 से 10 दिनों से देना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन कुछ कारणवश इसे लेट किया जा रहा है। इसे अप्लाई करने के लिए transport.delhi.gov.in पे लिंक को अपडेट किए जाने वाले थे अप्लाई करने के लिए, लेकिन transport.delhi.gov.in पे के साइट पे काफी ज्यादा लोड होने के कारण लिंक को अपडेट नहीं किया गया है, लेकिन बहुत ही जल्द अपडेट किया जाएगा। जिन्हें पिछले साल नहीं मिला था वो लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और जिन्हें पिछले साल मिला था वो यहाँ से रिन्यू करवा सकते हैं। और डॉक्यूमेंट की बात किया जाए तो नंबर 1 ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, नंबर 2 PSV बैच नंबर, 3 नंबर मोबाइल नंबर, जन्म तारीख, लिंक और आधार कार्ड अनिवार्य है। लेकिन खुशखबरी का ये बात है, यदि आपके पास PSV बैच नंबर नहीं है तो भी आप लोगों को मिल सकता है। तो दरअसल आप यहाँ पे देख सकते हैं फिलहाल में ही न्यू अपडेट आया है, इन्होंने क्लियर बता दिया है और इन्होंने दिल्ली सरकार से आवेदन भी किया है। कुछ लोग ऐसे भी हैं ऑटो टैक्सी चालक जिनके पास PSV बैच नंबर नहीं है, ऑटो चालकों को मदद के लिए सरल प्रक्रिया बनाएं ऐसा कहा गया है। उन्होंने बोले हैं ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और आधार कार्ड नंबर के हिसाब से ही पैसे को दिया जाए, तो देखते हैं ये कब तक अप्रूवल होता है। यदि अप्रूवल हो जाता है, दिल्ली सरकार ने इसे अप्रूवल देता है, तो आपके पास यदि बैच नंबर नहीं भी है फिर भी आप लोगों को पैसे मिल सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद आया लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो में।